करनाल के मॉडल टाउन तजेंद्रा पार्क के नजदीक एक युवती का अपहरण हो गया है। युवती को कुछ लोग कार में उठाकर ले गए। इस घटना से आसपास दहशत का माहौल है। परिवार के लोगों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज की। इस घटना के बाद पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने टीम गठित कर आरोपियों की धरपकड़ और युवती का सुराग लगाने के प्रयास तेज कर दिए। आखिरकार युवती का सुराग लग गया। युवती के मिलने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। वहीं मॉडल टाउन के एमसी के पति गिन्नी ने कहा कि पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी, जिसने बड़ी मशक्कत करते हुए चंद घंटों में ही लड़की को खोज निकाला है। फिलहाल लड़की को पुलिस द्वारा कस्टडी में लेकर आगे की कार्यवाही की जा रही है। इस तरह की घटनाओं से शहर के लोगों में डर का माहौल व्याप्त है। फिलहाल अभी पुलिस जांच कर रही है कि युवती का अपहरण किन कारणों के चलते किया गया और आरोपी कौन कौन थे। करनाल पुलिस का, मीडिया का और सारी बरादरी का बहुत धन्यवाद करूँगा जो सारी रात हमारे साथ खड़े रहे। सुबह तक जब तक मामला ट्रेस आउट, खुद एसपी साहब रात को 12 बजे तक ऑफिस में रहे, इसी मामले को ट्रेस आउट करते रहे। CA1 की टीम उन्होंने गठित करी, हमारे 34 इंचार्ज जितेंद्र जी, सिविल लाइन इंचार्ज सर, सबका बहुत धन्यवाद। DSP राजीव जी इन टच रहे हमारे साथ सारी रात। सर अब अगर हम बात करें तो करनाल में सारी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा, सरकार को या स्कूलों में हमें ऐसी एजुकेशन मिलनी चाहिए जिससे हम ये काम ना करें, या कानून इतना सख्त बने लोग काम करने से पहले डरें। अब इसमें सबसे पहले आपने करनाल पुलिस का सहयोग किया, करनाल पुलिस ने पूरा सहयोग दिया, ठीक है, जबकि प्रशंसा के पात्र हैं करनाल पुलिस की, जो अधिकतर बाकी सारी टीम भी। इसके अलावा आप लोग हो गए और आपके यहाँ पे स्थानीय लोग हो गए। देखिए हमने मामला दर्ज कर लिया है, गाड़ी भी नंबर भी हमारे पास में आ चुका है और हम उस लगभग एड्रेस पर पहुँच भी चुके हैं जहाँ का हमें पता है कि जो गाड़ी जो वर्तमान में जिस ओनर के पास में है। एक बार पुलिस वहाँ पर जा रही है, हमें उम्मीद है कि जल्दी से हम मामले को ट्रेस कर। तो CCTV चेक किया गया फिर आसपास के? देखिए CCTV फुटेज तो हमने ऑलरेडी चेक कर ली थी और गाड़ी नंबर भी हमारे पास में आ चुका है। हमने जो गाड़ी जहाँ से आगे बिकी गई थी, लगभग जिस ओनर के पास में भी वर्तमान में जो ओनर गाड़ी रख रहा है, उस तक हम पहुँच चुके हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी हम ट्रेस। सर कुछ ही देर पहले यहाँ कुंजपुर रोड पे पर्स स्नैचिंग भी हुआ है, तो स्नैचर्स देखिए कुछ स्नेचर्स पकड़े भी जा चुके हैं और जैसे ये भी वारदात हुई है, हम CCTV फुटेज या आसपास में जो भी और स्नेचर्स जिनकी हम देख जो इस प्रकार के मामलों में इन्वॉल्व रहे हैं उनसे पूछताछ करेंगे और ऐसे मामले जो भी इस प्रकार के मामले हो रहे हैं वो आगे ना हो, इस संबंध में और क्या से बेहतर प्रयास किए जा सकते हैं हम करें, क्योंकि त्योहारी सीजन है, गश्त तो बढ़ाई गई हुई है। देखिए डेफिनेटली शाम के समय खासतौर पर 6 से 11 के बीच में बाजारों में थोड़ी भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, लोग खरीदारी के लिए आते हैं, तो हर चौक चौराहे पर पुलिस चुस्त दिखे इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सर लगातार करनाल में क्राइम बढ़ता जा रहा है, इसको रोकथाम को लेकर कुछ एक्स्ट्रा कोई रोकथाम के लिए कोई उपाय सर? देखिए पुलिस का काम है जो भी क्राइम को, पहली बात तो जितना अपनी तरफ से कोशिश कर सके क्राइम को प्रिवेंट करना और यदि कोई क्राइम हो जाए सारे प्रयास के बावजूद भी उसको जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करना। हमने कुछ जो पिछले साल के डाटा थे उसके आधार पर एनालिसिस किया कि कुछ जहाँ पर क्राइम इस प्रकार की स्नैचिंग की वारदातें होती है वो हॉटस्पॉट हमने चिन्हित किए, वहाँ पर हम PCR राइडर की और कैसे गहनता से गश्त बढ़ाए जाए, पुराने जितने भी लोग इस प्रकार के मामलों इन्वॉल्व रहे हैं उस पर लगातार निगरानी रखी जाए, इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।